बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ अलजब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। हमारा जो टॉपिक है मेन, वो टॉपिक जो हम कल कर रहे थे, दैट इज़ अलजब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशंस। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों को न्यूमेरिकल में जो हम पढ़ते हैं अलजब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, थोड़ा सा उसका रिपीट कर लें, दो तीन लाइन की डेफिनेशन से, और आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो टॉपिक है अलजब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन क्या है। क्योंकि देर इज़ अ कन्फ्यूजन इन अलजब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल। बेसिकली ये हैं क्या, देखें इनमें इक्वेशन भी होती है, नंबर भी होते हैं। जाहिर सी बात है, उन नंबर के बेसिस पे हम इक्वेशंस बताते हैं कि वो नंबर अगर आ गया तो उसी को देख के हम कहते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, क्योंकि नंबर ही आता है ना भाई। जैसे नंबर इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट रियल हैं तो आप कह सकते हैं इट्स रियल इक्वेशन, रेशनल नंबर हैं तो रेशनल कह सकते हैं। तो वैसे ही आप इक्वेशन में वो नंबर देख के बता सकते हैं ये ट्रांसेंडेंटल है, ये अलजेब्रिक है। एंड आवर एम इज टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। कह रहा है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स ए नोट, ये आपको पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री एन का, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है बिकॉज इट्स डिग्री एन, और आपके पास ये इसके कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट है ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन अप टू ए एन, ठीक है डिग्री एन है, और आपके पास ये अलजब्राइक होता है। ठीक है, वाई इट्स अलजब्राइक बिकॉज इट कंटेंस ऑल जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ये अलजब्राइक होते हैं। आप कोई भी इक्वेशन उठाएं और उसमें अगर ट्रांसेंडेंटल नंबर्स नहीं आ रहे हैं दैट विल बी अलजेब्रिक। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल क्या होते हैं, कह रहा है अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन कंटेंस करता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, लॉगरिथमिक आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू जीरो इज योर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में आप लोगों को समझ में आया, इवन योर पाई इज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो मतलब आप देखें ट्रांसेंडेंटल और जो सिंपल अलजेब्रिक है उसमें फर्क देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, अगर आप ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक को ऐड करके लिखें देन यू विल ऑब्टेन द इक्वेशन दैट इज ट्रांसेंडेंटल नॉट अलजेब्रिक। ये एग्जाम्पल ही उसने ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स प्लस ई एक्स, एक्स स्क्वायर तो अलजेब्रिक है लेकिन साइन और ई पावर एक्स आपके पास क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल विल बी ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक आपकी इक्वेशन वो होती है जो सिंपल इक्वेशन होती है कि नॉट कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल पाई लॉगरिथम फंक्शन, सच इक्वेशन आर कॉल्ड, अगर जिनमें ये चीज़ें नहीं हों जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल पाए, उससे आप सिंपली कहते हैं, आप कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कंटेनिंग वन ऑफ दीज यू विल कॉल ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और भी आपके पास ऐसे ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं, ये बेसिक हैं। ठीक है, तो आप अब समझ जाएं अलजेब्रिक नंबर क्या होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया अलजेब्रिक नंबर, ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होंगे, अब आपको नंबर से भी पता चल जाएगा। Once again, we will move towards our topic, that is algebraic and transcendental extensions, which we were discussing yesterday. और हम लोगों ने ये example भी किया था number वन, और हम लोग थोड़ा सा repeat भी कर लेते हैं। हमने कहा था कि हमें बताना है कि Q of radical 2 is an algebraic extension of Q. किसकी extension है, Q की है। ठीक है, algebraic extension किसकी है, Q की है। ठीक है, शो दैट हमें शो करना है, तो हमने कहा कि Q of radical 2 इसके बराबर होता है a plus b radical 2 where a b are your rational and we have to pick an element। कहाँ से एलिमेंट उठाएंगे हम, हम एक एलिमेंट उठाते हैं अल्फा, तो कहाँ से बिलोंग करता है, आपकी एक्सटेंशन जो फील्ड होती है उससे बिलोंग करता है, दैट इज योर दिस, और यहाँ से हमने उठाया a plus b radical 2। ओके, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। ठीक है, दिस वॉज नॉट नेसेसरी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे, सच दैट आपका जो पॉलिनोमियल आएगा वो कहाँ से बिलोंग करे, यहाँ से करे। अगर यहाँ से कर रहा है यू विल से दैट इट्स अलजेब्रिक, अदरवाइज यू विल नॉट से इट्स नॉट एन अलजेब्रिक।
और उस पे आप अल्फा की वैल्यू पुट करें तो वो जीरो। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जो आप स्टार्टिंग में उठाते हैं वैल्यू, बाय स्टार्टिंग यू सेड दैट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी रेडिकल टू, भले आप अल्फा के थ्रू ही करके आखिर में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फा को एक्स में, ठीक है। एक्स माइनस ए इक्वल टू बी रेडिकल टू, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, यू विल ऑब्टेन एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स में लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ अल्फा होता तो ठीक है, तो आप अगर एक्स में लिखना चाहे तो ऐसे होता, अदरवाइज जो एफ ऑफ एक्स, वंस अगेन अगर आपने किया ही एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू रेशनल। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रेशनल से कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हम कोई एलिमेंट उठाते हैं, दैट इज फ्रॉम दिस वन अल्जेब्रिक एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन फील्ड है उसका एलिमेंट उठाते हैं अल्फा, उस पर पॉलिनोमियल बनाते हैं। अगर वो पॉलिनोमियल रेशनल से बिलोंग कर रहा है तो यू विल कंक्लूड दैट इट्स अल्जेब्रिक एक्सटेंशन, अदरवाइज नहीं है। तो हमने वही किया, और आपको पता है कि वैल्यूज पुट करने पे वो जीरो भी आना चाहिए, तो आपने वैल्यू पुट की, जीरो भी आ रहा है। देन क्यू रेडिकल टू इज एन अल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स, हमने प्रूफ किया कि वाकई ये है। अनदर एग्जाम्पल इज टू बी डिस्कस्ड दैट के हमें क्या बताना है, इज रियल अल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, क्या आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर जो हैं वो अल्जेब्रिक एक्सटेंशन है क्यू के, किसके, क्यू के। देखें यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, आप सोचते हैं कि अब मुझे कोई ऐसा एलिमेंट उठाना है, ठीक है, एलिमेंट भी उठा सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि रियल और रेशनल में बहुत फर्क है, क्योंकि रियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, वेयर एज देखिए आयोटा जो होता है ना, आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो वो आपके पास एक नंबर आ जाता है, क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है, साइंस इन ए नंबर। बट जब आप क्या करते हैं, पाए का स्क्वायर तो पाए स्क्वायर होगा, ई का स्क्वायर तो ई स्क्वायर होगा, तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। हम कहते हैं कि इसमें और इसमें फर्क है, अगर आप रेडिकल टू उठाएं, एक रियल नंबर रेडिकल टू उठाएं, उस पे चेक करें, तो आप कहेंगे अल्जेब्रा एक एक्सटेंशन है, लेकिन हम कहते हैं कि अल्जेब्रा एक एक्सटेंशन वो होती है जिस पे अल्फा आप उठाएं कोई रियल नंबर, इन दिस केस एग्जांपल नंबर टू, अल्फा आप रियल नंबर उठाएं और उस रियल नंबर पे आप एक पोलिनोमियल बनाएं, वो पोलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करे, रेशनल से करे, और उस पे अल्फा की वैल्यू रखें, जीरो भी है उस पोलिनोमियल में, यू सेड दैट दैट एलिमेंट विल बी अल्जेब्रिक एलिमेंट, फर्क समझे, उस एलिमेंट को अल्जेब्रिक कहेंगे, लेकिन अल्जेब्रिक एक्सटेंशन वो होती है सारे एलिमेंट पे हो, ठीक है, मतलब के सारे एलिमेंट पे हो, फिर हम कहते हैं कि भाई इसके पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिस पे आपके पास जो पॉलिनोमियल बनता है वो रेशनल से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं लेट्स चूज एन एलिमेंट ई, पाई भी उठा सकते हैं आप, ठीक है। वंस अगेन आई विल रिपीट, यू कैन चूज, यू कैन सिलेक्ट अल्फा इक्वल टू पाई, तो आपने कहा अल्फा इक्वल टू ई, ई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल से। अब आप इस पे क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है, आपने एक पॉलिनोमियल बनाया, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, अल्फा इक्वल टू ई है तो आप लिखते हैं अल्फा माइनस, आप ऐसे लिखते हैं ना अल्फा माइनस ई इक्वल टू जीरो, फिर आप उस पे एक्स में लिखते हैं एक्स माइनस ई इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस ई जो आपने पॉलिनोमियल बनाया क्या वो रेशनल से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि ई इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो यू कंक्लूड कि ये आपके पास अल्फा इक्वल टू ई पे अल्जेब्रिक एलिमेंट ही नहीं है क्यू के ऊपर, अगर आप रियल उठा रहे हैं तो ये अल्जेब्रिक एक्सटेंशन कैसे हो सकता है, क्योंकि अल्जेब्रिक एक्सटेंशन के लिए सारे एलिमेंट जो हैं वो अल्जेब्रिक होने चाहिए, कोई एक भी रह गया यू विल कंक्लूड दिस विल नॉट बी अल्जेब्रिक एक्सटेंशन। अनदर एग्जांपल इज देयर, इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, शो दैट सी इज एन अल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ अ क्यू, कह रहा है शो करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास हैं वो अल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, किसके ऊपर, रियल के ऊपर, बट नॉट क्यू, बट जो आप सी उठा रहे हैं वो क्यू के ऊपर नहीं है, रियल तो आपने चेक किया, रियल के ऊपर भी आपने चेक किया, रियल इज नॉट अल्जेब्रिक मतलब अल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं हो रहा, अभी अभी आप लोगों ने अभी चेक किया है,
इज रियल अलजेब्रा एक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, नो यू कैन नॉट से के अलजेब्रा एक एक्सटेंशन हो रही है रियल की क्यू पे, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल हमें बताना है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अलजेब्रा एक एक्सटेंशन है आर के ऊपर, बट क्यू के ऊपर नहीं। लेट्स चूज ए नंबर, ठीक है। हमने कहा इन जनरल सी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब भले आप पाई उठाएं, ठीक है, भले आप ई उठाएं, कुछ भी उठा लें आप, अगर यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल देना चाहें आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं, चलें ये उठा लेते हैं अल्फा इक्वल टू बी। आपका जो पॉलिनोमियल आ रहा था एक्स माइनस ई, क्या एक्स माइनस ई रियल से बिलोंग नहीं करेगा? करेगा। तो हमने कह दिया जनरली भी आप उठा सकते हैं ए प्लस आयोटा बी, ए बी आर योर रियल नंबर, तो अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। हमें पॉलिनोमियल बनाना है जो कहाँ से बिलोंग करे, रियल से, जिस पे अल्फा की वैल्यू क्या हो, जीरो। चलें भाई, हमने कहा एक्स इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन ये प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का, एक्स माइनस ए इक्वल टू आयोटा बी। ये स्क्वायर क्या किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड दिस विल बी माइनस वन। देखिए माइनस वन आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आया वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल से कर रहा है, बिकॉज इट्स कोफिशिएंट आर रियल। जरूरी नहीं है आप कहें कि भाई चलें हम क्या करते हैं पाए उठाएं उस पे चेक करें, दिस इज जनरलाइज। इफ यू सब्सिट्यूट हेयर ए एंड बी, आपको क्या पुट करने हैं, आप कह रहे हैं ए और बी कहाँ से बिलोंग करें, रियल से, ठीक है। आपके यहाँ पे आपने कहा जो ये ए बी कहाँ से आ रहा है, हेयर योर ए बी बिलोंग्स टू सी। अब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रखें ए बी की जगह पे, ठीक है, दैट विल बिलोंग, दैट शुड बिलोंग्स टू दी ए, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमने पॉलिनोमियल बनाया, वंस अगेन आई विल रिपीट, हम क्या करते हैं हमारे पास हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इन जनरल यू कैन डू दैट। आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, पाँच उठाएं, 10 उठाएं, 4 उठाएं, उनको आप हल करें, यू विल ऑब्टेन द रियल नंबर। जैसे आप लिखते हैं एक्स इक्वल टू 3 आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9, और वो तो रियल से बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मकसद क्या है, हम क्या करते हैं जनरलाइज उठा लेते हैं ए प्लस आयोटा बी। हम कहते हैं अगर उस पर हम पोलिनोमियल बनाए, क्या बनाए हम उस पर पोलिनोमियल बनाए, तो वो आपका पोलिनोमियल कहाँ से आएगा, रियल से आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा, रियल से आएगा, क्योंकि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे देखें अल्फा बराबर है ए प्लस आयोटा बी, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये सी से कर रहा है। पूरा इसका कहने का मकसद है ए प्लस आयोटा बी पूरे का पूरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, लेकिन ये ए भी क्या होंगे, रियल। अब आप कोई भी यहाँ पे रियल नंबर रखें इसमें, कोई भी रियल, वो तो रिजल्ट तो वही रियल आएगी ना, ठीक है। क्या आएगी रिजल्ट आपके पास, रियल आएगी। एंड एग्जाम्पल आप फर्दर आपने क्या कहा कि हमने वही फंक्शन बनाया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल। एंड फर्दर हमने क्या कहा कि भाई अगर आप इसमें ए प्लस आयोटा भी पुट भी करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। देन सी इज एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ आर, ठीक है। फिर आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे तो रेशनल होगा, नहीं रेशनल नहीं होगा। देखें अगर दिस क्वेश्चन वाज लाइक दिस, अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई ऐसे पूछता शो दैट सी इज एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, अगर वो कहता क्यू, फिर आप कहते सर ऐसे हल करेंगे तो यहाँ पे क्यू लिख देते हैं वो भी हो जाएगा, नहीं फर्क है। देखें ये बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन तो यही है ना, सी तो यही होता है ना कि भाई ए प्लस आयोटा बी और ए बी कहाँ से बिलोंग करें, रियल से, और वही आप अल्फा लिखेंगे और ए बी तो रियल। ऐसे नहीं आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पे रेशनल नहीं, ये जनरल डेफिनेशन है। आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वो फॉर्म का जिसमें आप एक्स प्लस आयोटा बी, एक्स प्लस आयोटा वाई कहें, एक्स वाई आपके रियल हों, वही जनरल डेफिनेशन, तो यहाँ पर तो भी रियल होंगे। अगर मैं इस इक्वेशन मैंने बना ली, क्या ये रेशनल से बिलोंग करेगी अगर मैं लिख भी दूं, नहीं करेगी, बिकॉज कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे ए बी, अगर आप रियल रखें, जैसे मैंने ए रखा ई बी रखा पाए, क्या रखा, ए रखा ई बी रखा पाए, तो फिर कहाँ से हल होगा, फिर तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ट्रांजेंडेंटल इक्वेशन आ जाएगी, और दैट विल बी ट्रांजेंडेंटल एक्सटेंशन, ठीक है। क्लियर हुआ, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया ना, ऐसे इक्वेशन बनाए लास्ट में, अब आप ए बी पहले कॉम्प्लेक्स रखें रियल रखें, क्योंकि ए बी आर रियल बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू रियल। अगर आप ए बी रियल रखें तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आनी चाहिए, रेशनल। अगर मैंने आपको कहा ए और बी आप पाए और ई रख दें, कहाँ पे आएगी, नहीं आएगी।
सो इसका मकसद ये है, सम टाइम ऐसे होता है कि लोग कहते हैं सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म से कर रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रहा, वैसे क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जनरलाइज फॉर्म आप सबके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट एन इशू। आप बाय जनरल डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और आप यही कह रहे हैं कि ए भी रियल है, जो इक्वेशन बने, अब आप इसमें रियल नंबर रखते जाएं, आप देखें कि आपके पास वो रेशनल से बिलोंग कर रहे हैं, नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लेकिन देखें ऐसे भी होता है कि कुछ लोग रेडिकल टू रखेंगे, रेडिकल थ्री उन पे तो आएगा क्योंकि अगर स्क्वायर करें तो आप देखें हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए बी सिंपली पाए और ई रख दें तो यू विल इजीली से दैट कि वो रेशनल से बिलोंग ही नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास है अल्जेब्रिक एक्सटेंशन है किसके ऊपर, रियल के ऊपर, बट ये अल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं है क्यू के ऊपर, किसके ऊपर, क्यू के ऊपर भी नहीं है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कंटिन्यू द एग्जाम्पल, हमने कहा अगर हम अल्फा पाए उठाएं, पाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इस पे जो पॉलिनोमियल आ रहा है एक्स माइनस पाए, यहाँ पे जो पाए आया ये पाए आपके पास क्या है, दिस पाए इज नॉट रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट व्हेन वी आर फॉर्मिंग द पॉलिनोमियल एंड द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज नॉट बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर, हेंस योर अल्फा इज ट्रांसेंडेंटल नंबर, ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या है। अल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स और नंबर तो बात सेम है, अल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या है, अल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन क्या है। थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर दूं, नंबर्स एलिमेंट हम चेक करते हैं कोई एक नंबर उठा के, बट एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी होता है कि सारे के सारे एलिमेंट उसके क्या होने चाहिए, अल्जेब्रिक होने चाहिए। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर उठा रहे हैं इसके सारे के सारे नंबर अगर रियल पे अल्जेब्रिक एलिमेंट हैं तो यू विल से दैट इट्स अल्जेब्रिक एक्सटेंशन। अगर आप रेशनल पे चेक कर रहे हैं तो सी के सारे नंबर इसमें हो नहीं हो रहे हैं, एक दो नंबर या 10 नंबर ऐसे आ रहे हैं इसपे नहीं हो रहा है, दो नंबर तो मैंने आपको बताया अल्फा ई, अल्फा पाए सॉरी पाए और आपके पास ई दूसरा नंबर है, ऐसे और भी कुछ नंबर हो सकते हैं बट दीज आर द कॉमन, क्योंकि लॉगरिथम तो आएगा नहीं, ठीक है, और साइन फंक्शन तो आएगा नहीं, तो इन जनरल यही दो नंबर हमें दिख रहे हैं। नाउ आवर एम इज टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। व्हाट इज मिनिमल पॉलिनोमियल, देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन फील्ड, और एक्सटेंशन फील्ड की बात जरूर करेगा, लेट ई बी एन एक्सटेंशन फील्ड, इसने कहा वही चीज चल रही है, किसकी एक्सटेंशन फील्ड होती है, एफ की होती है, जिसको हम लिखते हैं ई ओवर एफ, एफ को आप एक्सटेंड करें यू विल ऑब्टेन एक्सटेंशन फील्ड ई। हम कहते हैं अल्फा कहाँ से बिलोंग करें, एक्सटेंशन फील्ड से करें, ठीक है, जो बिगर फील्ड है अल्फा वहाँ से बिलोंग करें, बी अल्जेब्रिक ओवर एफ जो अल्जेब्रिक ओवर एफ पे, अल्जेब्रिक है तो आप समझ जाएं कि कोई भी एलिमेंट उठाएं वो आप पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, उस एफ से करेगा, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। अगर ई और एफ है तो ई का कोई एलिमेंट उठाएं, अल्जेब्रिक चेक करना है तो इस पे पॉलिनोमियल बनाए कहाँ से बिलोंग करे, एफ से, तो वही बात कही थी एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। बट व्हाट इज मिनिमल पॉलिनोमियल, ये तो बात आप कहेंगे सर ये तो सेम ही अल्जेब्रिक और उसकी नहीं, लेकिन जो पॉलिनोमियल हम बना रहे हैं वो पॉलिनोमियल क्या हो, मोनिक पॉलिनोमियल हो। अगर वो पॉलिनोमियल मोनिक है देन यू विल कॉल दैट दिस इज योर मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मैं आपको इसको अपने अल्फाजों में बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है आपके पास एक एक्सटेंशन फील्ड है एक उसकी सब फील्ड है, एक्सटेंशन फील्ड आप ई को कहते हैं, सब फील्ड आप एफ को कहते हैं। अब क्या कह रहा है, आप अल्फा उठाएं एक्सटेंशन फील्ड से, कहाँ से उठाएं, एक्सटेंशन जो अभी तक हम कर रहे हैं उस पे पॉलिनोमियल बनाए, वो पॉलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करेगा, सब फील्ड से, ठीक है। अगर वो जो पॉलिनोमियल सब फील्ड से बिलोंग कर रहा है और वो पॉलिनोमियल मोनिक है, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल है इन विच द लीडिंग कोफिशिएंट इज वन, अगर वो मोनिक पॉलिनोमियल हो गया यू विल कॉल दैट पॉलिनोमियल इज मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर रेडिकल थ्री आई प्लस रेडिकल टू ओवर क्यू, यू शुड नोटिस दैट व्हेन यू आर फॉर्मिंग द मिनिमल पॉलिनोमियल आर यू आर डीलिंग इन एक्सटेंशन फील्ड, ये जो आपके पास नंबर है दैट इज योर सी एंड दिस इज बिलोंग्स टू द एक्सटेंशन फील्ड, जाहिर सी बात है रेशनल का तो ये एलिमेंट नहीं है, ये रेशनल की
एक्सटेंशन फील्ड का एलिमेंट, किसका एलिमेंट है? एक्सटेंशन फील्ड। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? दिस अल्फा इज बिलोंग्स टू योर सी, सी से बिलोंग करना है, तो यू विल नाउ क्रिएट अ पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करे? रेशनल से करे, बिकॉज द सब फील्ड इज योर रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर से कर रहा है और वो पॉलिनोमियल मोनिक है, देन यू विल कंक्लूड दिस इज योर मिनिमल पॉलिनोमियल। देखें, लेट अल्फा इक्वल टू रेडिकल 3 आई प्लस रेडिकल 2। हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि रेडिकल 2 को आप लेफ्ट साइड पे लेके आए। ठीक है, हम लेफ्ट साइड पे लेके आए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है रेडिकल आ रहा है यहाँ पे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडिकल जब दो बार आता है तो स्क्वायरिंग दो बार होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग गोल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 2 अल्फा प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3। और सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 2 अल्फा, दिस विल बी प्लस 5। ठीक है, और ये प्लस 5 का है, इसको यहाँ लेके आए। ठीक है, सॉरी, ये यहीं पर है प्लस 5, ये माइनस का है, वहाँ जाएगा प्लस का। देखें, वंस अगेन वी आर फॉर्मिंग द पॉलिनोमियल। ठीक है, हम चाहेंगे अगर रेडिकल खत्म हो सकता है खत्म कर दे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 रेडिकल 2 अल्फा स्क्वायर। वंस अगेन यू विल यूज द फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर, अल्फा पावर 4 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4, रेडिकल स्क्वायर से कैंसिल, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ओके, दिस विल बी अल्फा पावर 4, दिस विल बी 10 अल्फा स्क्वायर, 25 इक्वल टू 8a स्क्वायर। आप मैं ये प्लस का, यहाँ आएगा माइनस का, दिस इज माइनस 8a स्क्वायर, 8 अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा पावर 4 सेम है, 10 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा स्क्वायर, दिस इज 25। क्या ये आपका पॉलिनोमियल, अगर आप अल्फा पुट करें तो जीरो आएगा, आ जाएगा। क्या ये पॉलिनोमियल रेशनल से बिलोंग कर रहा है? हाँ, ये पॉलिनोमियल रेशनल से बिलोंग कर रहा है। क्या ये पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल है? हाँ, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, सो वी कंक्लूड दिस इज योर मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने कहा ये सारी कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। हमने कहा ये जो पॉलिनोमियल हमने बनाया है ये रेशनल से बिलोंग कर रहा है, ये पॉलिनोमियल में अगर अल्फा में रखूँ जो गिवन अल्फा था वो जीरो भी आ रहा है, हमने कहा, और ये रेशनल से बिलोंग भी कर रहा है, सो वी कंक्लूड दैट दिस इज द पॉलिनोमियल व्हिच कैन बी कॉल्ड एज मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज गिवन फॉर यू, दैट इज इन दिस केस यू कैन सी दैट व्हाट इज योर ए एंड बी, यू कैन कॉल इट, आप ऐसे नहीं कहेंगे ये रेशनल नंबर है। ठीक है, बिकॉज रेशनल वी नीड फील्ड। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, वी नीड फील्ड, वी डोंट नीड, हमें वो नहीं चाहिए जो फील्ड ही नहीं हो। आप नंबर को देखेंगे, अगर 1 2 हो तो आप कह देंगे 1 और 2, तो भाई नेचुरल नंबर है। नहीं, वी रिक्वायर फील्ड, फील्ड होना ज़रूरी है। सो फील्ड आपके पास, ये नंबर तब बनाएंगे जब ये रियल हो, क्योंकि वी नीड टू पिक द एक्सटेंशन फील्ड। ठीक है, क्यू इज़ योर रेशनल, क्यू तो रेशनल होती है, और रेशनल में ये एलिमेंट नहीं आते हैं, इसका मकसद है इसके बाद दिस इज़ योर वाट, दिस फील्ड इज योर रियल फील्ड। और आप देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2 इसकी एक्सटेंशन फील्ड से बिलोंग कर रहा है। अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है जो क्यू से करे, जिस पे ये वैल्यू रखें जीरो भी आए और उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, उसे आप कहते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। लेट्स डू इट, हमने कहा अल्फा इक्वल टू रेडिकल 3, ठीक है, प्लस रेडिकल 2 के, एंड अल्फा आप क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड ट्वाइस होगा, ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है, इसको लेके यहाँ पे माइनस का हो गया, दिस इज रेडिकल 2, दिस इज इक्वल टू रेडिकल 3, एंड वी हैव स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 2 अल्फा 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, रेडिकल स्क्वायर से कैंसिल, उसके बाद हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 इक्वल टू 3, सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 2 अल्फा, दिस विल बी 2 माइनस 3 इज माइनस 1,
ये यहाँ पे माइनस का था, राइट साइड पे आ गया प्लस, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दिस विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू टू रेडिकल टू अल्फा होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, दिस विल बी टू टू जा फोर, दिस विल बी टू, दिस विल बी अल्फा स्क्वायर, यू कैन सी हियर, दिस विल बी अल्फा पावर फोर, दिस विल बी माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस वन एट अल्फा स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस का था यहाँ आ गया माइनस का, और हमने कहा दिस इज द रिक्वायर्ड, ये जो पॉलिनोमियल ऑब्टेन हुआ है, अब इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू आप पुट करें, जीरो आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आप ये पॉलिनोमियल रेशनल से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट वन है, सो वी कंक्लूड दिस इज योर मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। अनदर एग्जाम्पल इज गिवन, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर वन प्लस रेडिकल टू अपॉन थ्री अवर क्यूब। वंस अगेन, हल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है, आपको पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है, आपको कोशिश करनी है जल्द से जल्द ऑब्टेन हो, ऐसे नहीं कि हम कोई ऐसा तरीका अप्लाई करें जिसमें हल तो हो जाए लेकिन बार 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 बार, एक ऐसे होता है ना, समटाइम रिजल्ट तो सेम आती है लेकिन वी हैव टू अडॉप्ट अ मेथड व्हिच इज सिंपलर इजियर। तो हमने कहा अल्फा इक्वल टू वन प्लस रेडिकल टू अपॉन थ्री, थ्री यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, दिस विल बी थ्री अल्फा इक्वल टू वन प्लस रेडिकल टू, आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया आप लोगों ने, ठीक है, दिस विल बी नाइन अल्फा स्क्वायर, दिस इज वन माइनस टू रेडिकल टू प्लस रेडिकल टू स्क्वायर, दिस इज नाइन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टू रेडिकल टू अल्फा प्लस टू, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नाइन अल्फा स्क्वायर दिस विल बी वन, यू गेट टू, एंड हेयर आपका क्या आ रहा है वन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी आप, यहाँ पे क्या है नाइन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट सॉरी, नाइन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टू रेडिकल टू प्लस अल्फा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लें, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए टू एंड वन, दिस विल बी थ्री, ओके, एंड दिस विल बी प्लस टू रेडिकल टू अल्फा, ठीक है, इसकी जो भी रिजल्ट आएगी फिर आप अगेन उसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आपके पास थ्री आ रहा था, यहाँ पे आएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, दिस विल बी योर सेम, ठीक है, वंस अगेन हम इसी को हल करते हैं अभी, ठीक है, आप यहाँ थ्री रख के खुद ही हल करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 81 अल्फा पावर फोर माइनस 18 अल्फा स्क्वायर प्लस वन, फोर इंटू टू प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 81 अल्फा पावर फोर माइनस 18 अल्फा स्क्वायर प्लस वन एट अल्फा स्क्वायर, अब क्या करेंगे इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, दिस विल बी माइनस 81 अल्फा पावर फोर माइनस 26 अल्फा स्क्वायर, दिस विल बी, क्योंकि माइनस 18 और 8 26 प्लस वन से अल्फा पुट करें जीरो आ रहा है, ठीक है, देर इज अ मिस्टेक दैट हेयर शुड बी थ्री एंड देर शुड बी माइनस, तो कोई मसला नहीं है, आप पॉलिनोमियल बनाएंगे उस पर अल्फा पुट करेंगे जीरो आ रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ ये कहाँ से करें, रेशनल से बिलोंग करें, यस इट्स बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है, लेकिन क्या लीडिंग कोफिशियंट वन है, नहीं है, लेकिन हम बना तो सकते हैं ना, हम कहते हैं डिवाइड कर दें 81 से, तो आपके पास ये आ गया, ये भी आपके पास रेशनल हो जाएगा, क्योंकि अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, तो इसका मकसद है स्टिल दिस पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू द रेशनल, इट्स लीडिंग कोफिशियंट इज वन, ठीक है, इसका लीडिंग कोफिशियंट क्या है, वन है, रेशनल से बिलोंग कर रहा है, अल्फा पे जीरो भी आ रहा है, वी कॉल दिस पॉलिनोमियल एज मिनिमल पॉलिनोमियल। देखें सेम एग्जाम्पल मैंने दूसरे तरीके से किया है, मैंने कहा यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कहा था थ्री मल्टीप्लाई करेगा, अब इसको हल करो, ठीक है, थ्री अल्फा इक्वल वन प्लस रेडिकल टू, मैंने कहा कि एक चीज़ तो मैं मिस कर गया, मैंने कहा अगर मैं ये वन यहाँ लेके आ जाता तो यहाँ से रेडिकल एक ही बार ख़त्म हो जाता, क्योंकि रेडिकल अगर आप इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अगेन आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि टू ए बी में तो टू रेडिकल टू आएगा, तो हमने कहा ऐसे करते हैं कि ये आपके पास ऐसे ही है, ठीक है, थ्री यहाँ से डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस का वन है, यहाँ आ गया माइनस का वन है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें,
अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 α² - 6 α + 1 = √√2² ठीक है। 9 α² - 6 α + 1 √2² क्या हो जाएगा, 2। देन 9 α² - 6 α + 1, ये प्लस का था, यहाँ आएगा -2। देन योर पॉलिनोमियल इज 9 α² - 6 α - 1 = 0। वी हैव टू डिवाइड नाउ बाय 9, बोथ साइड से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या है, α² - 6 / 9 α - 1 / 9 = 0। क्या ये पॉलिनोमियल रेशनल से बिलोंग कर रहा है? हाँ, इसके कोफिशिएंट रेशनल से कर रहे हैं, फ्रैक्शन में जो भी नंबर लिखते हैं रेशनल ही होते हैं। क्या इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है? हाँ, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस पॉलिनोमियल एज मिनिमल पॉलिनोमियल। थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर इसका 4 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 है, देन वी विल मूव टूवर्ड द सेपरेबल पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ तक जो पढ़ा है थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे करते हैं। हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सटेंशन एंड ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन क्या होते हैं। हमने कहा कि एक होता है एलिमेंट, वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट एक्सटेंशन। हमने कहा हम एलिमेंट में क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन फील्ड का एलिमेंट होता है, उस पर पॉलिनोमियल करते हैं और वो पॉलिनोमियल उसकी सब फील्ड से बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास अलजेब्रिक एलिमेंट है। इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सटेंशन, जो भी सारे एलिमेंट हो उस वो एक्सटेंशन फील्ड से बिलोंग करें हर एलिमेंट, और उस पे जो आप क्या करेंगे पॉलिनोमियल बनाएंगे, वो सारे पॉलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करें, वो आप सब फील्ड से करें, देन यू कॉल दैट एक्सटेंशन एज अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन। हियर आर फ्यू एग्जांपल व्हिच वाज टू बी डिस्कस, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट रिमेम्बर, लेट डिस्कस इट। हमने कहा था सी और आर, यू कैन सी दैट If you choose any complex number and you solve it and you will obtain the polynomial that will belongs to the real number. So we conclude that C over R is algebraic extension. But C over Q is not algebraic, as you can see if you select C as pi R E and you will form the polynomial that will not belongs to the rational number. That is why this is transcendental extension. R over Q is once again not transcendent, not algebraic, as if you select alpha as pi, you will form the polynomial that will not belongs to the rational. Q of I upon Q is algebraic. You can choose any number that belongs to the QI. If you select 1 plus 2i and you solve it, you will obtain the polynomial that is from Q. Even if you select Q radical 2 upon Q, if you select any rational, every ये इसको क्या कहते हैं, गॉसियन रेशनल नंबर। जैसे 1 प्लस, आपने कहा a + b radical 2, ए बी आप रखते जाएं और आपको जो रिजल्ट आएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और फॉर्म करेंगे पॉलिनोमियल, आपको वो अलजेब्रिक ही मिलेगा। हमने एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस किया, हमने कहा कि क्यू रेडिकल टू अलजेब्रिक है क्यू की, लाइक दिस। ये वाला एग्जाम्पल हमने हल भी किया है, हमने कहा आप जनरल लिखें, आप उससे अल्फा उठाएं एक्सटेंशन फील्ड से, उस पर पॉलिनोमियल जनरेट करें, उस पॉलिनोमियल में आप भले कोई भी एलिमेंट रखें, किसका रखेंगे, रेशनल का रखें, यहाँ से ए बी बिलोंग्स टू द रेशनल, आपको वही पॉलिनोमियल वहीं से मिलेगा, ठीक है, रेशनल से ही मिलेगा। कोई पॉलिनोमियल मतलब ए बी तो रेशनल ही है ना, आप रखते जाएं आपको ऑब्टेंड वही होगी वैल्यूज। और आपने कहा कि अल्फा पे भी जीरो आ रहा है, यू कंक्लूड दिस जो अलजेब्रिक एक्सटेंशन। आपने कहा क्या रियल अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, क्योंकि हमने कहा था नहीं है, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं लाइक ई एंड पाई दैट विल नॉट बिलोंग्स टू द रेशनल, और उनका अनफॉर्चुनेटली इनका स्क्वायर भी यही आता है। जैसे आई अगर मैं ले लूँ आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर तो -1 हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल वॉज डिस्कस्ड, एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमने डिस्कस किया, इसको फर्दर डिटेल में किया। एग्जाम्पल नंबर 4, 3 में दो हिस्से थे, दोनों को हल किया। देन हमने कहा मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, हम कहते हैं अल्फा एक एलिमेंट है जो एक्सटेंशन फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, कहाँ से करता है, एक्सटेंशन से, और उस पे जो हम पॉलिनोमियल बनाते हैं वो पॉलिनोमियल उसकी सब फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर सब फील्ड से करता है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, देन वी कॉल दैट पॉलिनोमियल इज मिनिमल पॉलिनोमियल। फिर हमने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 1 किया, एग्जाम्पल 2 किया, एग्जाम्पल 3 किया। एग्जाम्पल 3 को मैंने दो तरीकों से किया था, इन बोथ केसेस द पॉलिनोमियल दैट वी ऑब्टेंड इज वाज मिनिमल पॉलिनोमियल, बट द
सिचुएशन डिफर्स इन द डिग्री एंड वी हैव टू अडॉप्ट द मेथड व्हिच इज मोर सिंपलर है, नॉट कि हम स्क्वायरिंग कर करके आखिर में जाके रिजल्ट निकले, ऐसे नहीं होना चाहिए. नाउ आवर एम इज टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड सेपरेबल पॉलिनोमियल एंड इट्स रिलेटेड एग्जाम्पल. इफ द टाइम रिमेंस वी विल डिस्कस द स्प्लिटिंग फील्ड. That is it for today. If anyone is having finding any difficulty, can ask the question from the lecture that we have discussed. Thank you.